आप देख रहे हैं समाई संवाद। अभी हम मौजूद हैं रतिया मार्ग रोड पर और यहाँ पर आप माहौल अलग देख रहे होंगे। यहाँ पर बहुत सारी पुलिस फोर्स है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी भीड़ है और यहाँ पर बिल्डोजर दिख रहे होंगे आपको, जो कि आज 6 तारीख है, 6 फरवरी, और आज का ऐलान था कि आज ही के दिन रतिया मार्ग का चौड़ीकरण होगा और उसी आरंभ में ये कार्य हो रहा है। आज चौड़ीकरण हो रहा है और उसका एक एक मंजर हम आपको दिखाएंगे, किस प्रकार आज चौड़ीकरण होगा वो आप देखेंगे हमारे समाई संवाद चैनल पर। देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। ये देखिए, ये चौड़ीकरण का पहला बिल्डोजर चला है अब, और चौड़ीकरण का जो वादा था आम आदमी पार्टी के सरकार से, मेरा है विधायक साउथ के अपने संगम बिहार से दिनेश मोनिया ने, और ये एक सरकारी कार्य था और ये एक इतिहास रहेगा संगम बिहार के लिए। चौड़ीकरण हम बहुत लंबे समय से सुनते आ रहे थे, तारीख पे तारीख मिल रही थी, लेकिन आज वो चीज़ हमें देखने को भी मिल रही है, चौड़ीकरण हो रहा है। ये काम की शुरुआत हो चुकी है और जो एक इतिहास था वो रचा जा रहा है रतिया मार्ग रोड पर। अब वो सहूलियत भी मिलेगी लोगों को चौड़ीकरण के लिए, जो वादा था वो आज पूरा हुआ। वो बिल्डिंगें जिन पे कब्जा बताया जा रहा था, जिनको आगे बढ़ा के दिखाया जा रहा था और ये बताया जा रहा था कि इनका एंक्रोचमेंट है, इन्होंने गैरकानूनी तौर पे जो कब्जा किया हुआ है सरकारी ज़मीन पर या रतिया मार्ग रोड है जो सार्वजनिक है उस पर जो अपना कब्जा जमा रखा है उसको हटाया जा रहा है आज। और आज 6 फरवरी का तारीख थी, वैसे तो अभी 25 तारीख थी, लेकिन उसके बाद जब ये 6 फरवरी हुई तो ये आखिरी तारीख हुई और रतिया मार्ग का चौड़ीकरण अब हो रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पहले तक तो कार्य नहीं कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने टूटते हुए देखा और सरकारी काम को होते हुए देखा तो वो भी बहुत तेज़ी से इस काम को करने लगे और खुद ब खुद तोड़ने लगे, क्योंकि जब बिल्डोजर से सरकारी मशीनों से जब बिल्डिंगें तोड़ी जाएंगी तो उसका असर ज़्यादा होगा। तो अब मजदूर जल्दी जल्दी लगाकर मकान मालिक अपने मकान दुकानों को तोड़वा रहे हैं। अभी ये बिल्डिंग अचानक से गिर गई पूरी की पूरी, लेकिन सेफ है कि अभी किसी को चोट नहीं लगी, ये अच्छी बात है। जो मलबा गिरा था उस मलबा को हटाया जा रहा है, क्योंकि पूरी की पूरी बिल्डिंग अचानक से गिर गई थी। और ये शुक्र रहा ऊपर वाले का कि किसी को भी चोट नहीं आई, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि जब बिल्डिंग गिरी तो पूरे के पूरे जेसीबी पे गिरी थी और जेसीबी के अंदर ड्राइवर बैठा हुआ था और उसके साथ शायद एक व्यक्ति भी था, और बिल्डिंग के किनारियाँ तोड़ रहे थे कि अचानक पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर गई, लेकिन शुक्र रहा कि कुछ हुआ नहीं। और अब जो है कि वो मलबा हटाया जा रहा है और कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है।
भाई साहब कितना खुश हैं आप चौड़ीकरण से? जनता खुश है, सब खुश है भैया। जनता अपनी जनता तो छोड़ दीजिए, आप अपनी बताइए। तो सब खुश है भैया। मस्त हैं आप? हाँ मस्त हूँ। आपकी दुकान टूट रही क्या? टूटेगा तभी खुश, नहीं टूटे तभी खुश हूँ। है नहीं है दुकान रोड पे? अरे है तो जनता सबको खुश होगा भैया। जनता खुश है हाँ। भाई दुकान इधर आ जाओ, हम ना दुकानदारों से बात करते हैं जिनकी रोड पे दुकान है। अच्छा इनके थोड़ा सा घुमाओ, ये इनकी रोड पे दुकान है, हम इनसे पूछते हैं कि ये खुश है कि नहीं खुश है। खुश है भाई साहब? भाई साहब खुश तो जब होते हैं जब ये जो इन्होंने निशानदेही लगाई है, जेसीबी आ गई है, रोड चौड़ा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां निशानदेही लगाई है वहां पंच मार के छोड़ दे और दुकानदार को टाइम दे दे कि 15 से 20 दिन का आपको टाइम। भाई साहब टाइम तो सरकार ने आपको बहुत दिया। वो टाइम नहीं, वो निशानदेही से हम संतुष्ट ही नहीं थे। जो भाई साहब आप तो अभी भी संतुष्ट नहीं है। तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन जब तक हम कैसे कन्फर्म, आपकी गलती है कि नहीं है? हमारी गलती हम नहीं मानते। हम ये चाहते हैं जो निशानदेही इन्होंने करी, अगर ये कन्फर्म है, वहाँ जेसीबी का पंजा मार के छोड़ दे और दुकानदारों को 10 से 15 दिन का टाइम दे दे, वो अपना आप अपना सेटलमेंट कर ले। 6 महीने 8 महीने का टाइम दे दिया। इतनी फोर्स आई हुई, इतनी गाड़ियां आई है, इतनी पुलिस आई है, ये सिर्फ आप लोग की वजह से है, क्योंकि अगर आप लोग कर लेते तो ये लोग नहीं आते। ये जो निशानदेही है ना जी, इस पे कतई भी संतुष्ट नहीं था कोई भी व्यापारी जी। ये बात क्या, कोई भी व्यापारी इस निशानदेही से संतुष्ट नहीं था। कहीं से 1 फुट जा रही है, कहीं से 12 फुट जा रही है। इस तरीके से कैसे आदमी अपने आप को सेटिस्फाई करता? आज चलो आपकी बात मान लेते हैं कि आपने रोड चौड़ा करना, हम तैयार हैं, लेकिन जहां आपने निशान लगाए हैं वहां पंच मार के जेसीबी से छोड़ दिया जाए ताकि 10 से 15 दिन का टाइम मिल जाए, दुकानदार अपने आप कर लेगा, कोई पीछे नहीं है दुकानदार। चलिए टाइम तो लोगों को बहुत मिला लेकिन शायद किसी ने किया नहीं। और किसी की दुकान है यहाँ पर? आइए इधर आइए, इधर आइए। ये नौजवान भी हमारे साथ हैं। ड्यूटी जा रहे थे आप? नहीं जा रहे? आप जा रहे कि नहीं जा रहे? चलिए इनसे भी हम पूछते हैं, बताइए। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ की जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी इस इलाके का सबसे ज़्यादा है और यही एक मेन रोड है, तो इस रोड को चौड़ा होना बहुत ही ज़रूरी है, वरना हमें यहाँ से निकलने के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, इसलिए ये काम बहुत सही हो रहा है। चलिए भाई साहब आप खुश हैं चौड़ीकरण से? बिल्कुल बिल्कुल, हम खुश हैं। आपकी तो आप इसलिए खुश हैं कि आपकी दुकान नहीं है? नहीं नहीं दुकान नहीं है, दुकान से कोई मतलब नहीं है। जाते तो इसी रोड से होते हैं ना हम लोग, जाते तो इसी रोड से हैं जी। नहीं रोड से तो सभी लोग जाते हैं, लेकिन जिसका जा रहा है, जिसका जा रहा है कलेजा तो उसी का फटेगा ना। नहीं कलेजा उसका फटेगा, लेकिन आपको पता है कलेजा फटेगा तो ये बात आप क्यों पूछते हो? हम तो हम पब्लिक की बात करेंगे, हम तो बंदा हम भी। देखिए आज दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद है, सर थोड़ा सा आप आगे आ जाइए थोड़ा सा जी। आप क्या सहमति जताएंगे इसमें? आपके हिसाब से सही हो रहा है, गलत हो रहा है या कितना ठीक हो रहा है? जो कुछ हो रहा है सही हो रहा है, सही हो रहा है। लेकिन बिल्कुल जवाब दिया, दुकान आपकी भी है यहाँ पे? दुकान हमारी ऐसे एक सही नहीं हो रहा कि जो दुकान जानी चाहिए दोनों तरफ से बराबर जानी चाहिए, इन्होंने एक तरफ से कम एक तरफ ज्यादा ही गलत है। आपने हमारे चैनल पे इंटरव्यू नहीं देखा दिनेश मोनिया की, उन्होंने ये बराबर का क्या बताया? उन्होंने बताया कि जिनकी आगे है उनकी जा रही है, किसी की 2 फुट है तो 2 फुट, किसी की 10 फुट है तो 10 फुट। जिनकी आगे नहीं उनकी भी जा रही है। अच्छा उनकी भी जा रही है, चलिए तो सरकार का मापदंड है वो जैसे कर रहे हैं। और भी लोगों से बात करते हैं, आप कितने खुश हैं भाई साहब? आगे आइए। बहुत खुश है जी, बहुत खुश है। कम से कम बराबर जानी चाहिए, बराबर यानी दोनों साइड से जानी चाहिए, जितनी भी जाए दोनों साइड से जाए। अच्छा हाँ आप भाई साहब क्या कहेंगे? अरे भाई बहुत खुश हूँ, बहुत खुश है क्योंकि रास्ता चौड़ा होना चाहिए, क्योंकि चलने की भी दिक्कत हो रही है यहाँ पर। चलिए ये अब आपके बच्चों का, अब आप चलने की दिक्कत, थोड़ा सा भाई साहब इससे आएगा, आपके बच्चों का जीवन सफल है अब तो मिठाइयाँ बटेंगी कि नहीं बटेंगी? मिठाइयाँ बटेंगी कि नहीं बटेंगी? मिठाई बटेगी, डबल रोड होना चाहिए इसमें। चलिए भाई साहब मिठाई जब बटेंगे जब डबल रोड होगा। चलिए जी नौजवान लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? भाई हमारी दुकान है यहाँ पे, लेकिन हम बहुत खुश हैं, तो रोड चौड़ा होने की खुशी बहुत खुश है। तो क्या लगता है कि जब यहाँ पर सड़कें बन जाएंगी, नालियाँ बन जाएंगी, चौड़ीकरण हो जाएगा तो फिर मिठाइयाँ बटेंगी? मिठाइयाँ बटेंगी, बहुत खुशी होगी, जो गंदगी है खत्म हो जाएगी। चलिए बहुत कम लोग हैं जो असंतुष्ट हैं, वैसे बहुत सारे लोग हैं जो संतुष्ट हैं, मिठाइयाँ भी बांटेंगे और दुकान वाले भी खुश हैं, जिनकी दुकानें और जितनी दुकानें नहीं है वो भी बहुत खुश हैं। बहुत सारे लोग हैं जो दुकानदार हैं यहाँ पर, हम इनसे बात करेंगे। यहाँ पर जो गाड़ियाँ चलती थी इतनी परेशानी आती थी, एक्सीडेंट भी होते थे, बच्चे नालों में भी गिरते थे, तो पर इस रोड चौड़ा होने से एक बहुत अच्छी विकास होगा इस संगम घर का, इस रोड का विकास होगा। जो लोग इसके अभी भी, अब कुछ लोग ऐसे हैं जो असंतुष्ट हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? वो तो अगर कोई काम अच्छा होता है उसके अंदर 3 संतुष्ट होंगे, 7 अपना संतुष्ट नहीं होंगे इस काम से, ठीक है? तो यही बात। सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी अगर कोई विकास के काम में अगर असुविधा आती है
तो कुछ दिन के लिए उन्हें असुविधा आएगी, लेकिन आगे उनके जो न्यू जनरेशन है उनके लिए बहुत वह बेहतर हो जाएगा। क्योंकि हकीकत बात है, हमदर्द के दो बच्चे बस से कुचले गए थे दो साल पहले, भी एक बच्चा मरा था। और स्कूल का जागृति स्कूल है, ठीक है, फिर जो कहते हैं स्कूल्स हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदा हो जाएगा। जो आम आदमी है, जो खासकर जो लेबर का काम करते हैं, आप गौर करेंगे सुबह आए यहाँ पे 8 बजे तो वहाँ से पैदल निकलना पड़ता है उन्हें, जबकि उनके पास सहूलत भी है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, नहीं आ जा सके। खासकर मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं I2 ब्लॉक में रहता था 3 साल पहले, ये कि अच्छा हो रहा है। और अच्छा। मेरी बच्ची का उंगली कट गया था, ठीक है, तो ये समझिए लटक गया उंगली। अच्छा। अब जल्दी से भागने चाहिए, चलो भाई बत्रा हॉस्पिटल आए, और वो बेहोश हो रही है, पूरा जाम था यहाँ। फिर उस मोटरसाइकिल का इंतजाम हुआ था, नहीं निकल सके। फिर इधर से निकले वो मंगल कोठी, वो पांडे कोठी की तरफ, वहाँ भी जाम, वहाँ से भी नहीं निकल सके। फिर अंदर ही अंदर जो है होली चौक होते हुए देवली की तरफ निकले, तो साकेत निकलना पड़ा मुझे सैनिक फार्म होते हुए। उस दिन से मेरी फैमिली यहाँ रहना छोड़ दिया कि मैं नहीं रहूँगी। जी समस्या बहुत है, लेकिन यहाँ पर इस तरह का होता है कि अगर इमरजेंसी में कोई गाड़ी निकलना हो तो भी मुश्किल है। जी आइए, नेता जब आ जाते हैं, इलेक्शन आता है तो सब काम कर देते, इसके बाद कोई काम करने वाला नहीं है। इस बार केजरीवाल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं केजरीवाल, उन्हीं को हम लोग जिताएंगे। अच्छा, हाँ, जो भी होगा केजरीवाल संगम बिहार से जीतेंगे। पक्का केजरीवाल कम से कम 80 फुट का रोड होना चाहिए। 80 फुट तो नहीं करवाएंगे, 80 फुट कम से कम केजरीवाल जितना हो रहा बहुत बहुत बढ़िया होगा। कहना चाहूँगा, देखिए अभी चाहे केजरीवाल आए, अगर केजरीवाल भी आते हैं तो केजरीवाल एक अकेला शख्स है, लेकिन उनके ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं और मिल के काम होता है। और भी लोग हैं भाई, दो दिन खाएगी पिएगी शांत हो जाएगी। इस बार चौड़ीकरण हो रहा है तो उसके बाद आपकी सरकार आप किसको बनाएंगे? जो जनता के भलाई के लिए कार्य करेगा हम उसके साथ हैं। आपको कैसे पता चलेगा? जो ये रोड चौड़ा हो रहा है इससे पता चल रहा है कि जी ब्रदर, आप किसको देंगे वोट? केजरीवाल। केजरीवाल आप साहब? केजरीवाल सर। जो जनता केजरीवाल सर, केजरीवाल को देंगे हम 19। हाँ 19 में लगे, 19 में अभी जो है लोकसभा के चुनाव होंगे, जब प्रधानमंत्री चुना जाएगा फिर आप किसको चुनेंगे? मैं केजरीवाल को चुनेंगे भाई। करते थे हमें तो यही करते थे, रोड कब बनेगा, और पानी लग जाते थे, कमर भर पानी लगता था पहले। तो आपकी उम्र कितनी है अभी? मेरी 14। 14 साल है, तो 14 साल से आप, जब से आपने आंखें खोली, जब से आपने समझ पाई है, तब से आप ऐसे ही देख रहे हैं? हाँ। ये चौड़ीकरण ऐसा काम पहली बार हो रहा है आपकी, आपके उम्र में, आपके होश में पहली बार हो रहा है? हाँ, बोल नहीं रहे? पहली बार हो रहा है। पहली बार हो रहे, खुश हो? हाँ। किसको सपोर्ट करोगे? केजरीवाल को ही करेंगे। सारे स्कूलों में कोई काम हुआ है केजरीवाल सर? लाइट है, पंखे, सब चीज की सुविधा। पहले नहीं हुआ करती थी? नहीं सर, टूटे फूटे डेस्क थे, तीनों के नीचे पढ़ते थे। मैटर नहीं है पढ़ाई क्या, पढ़ाई भी एकदम अच्छी है सर, एकदम प्राइवेट स्कूल की तरह। आप जरा बताना चाहिए पढ़ाई के मामले में सर? प्राइवेट स्कूलों से अच्छा है सर? बहुत अच्छा सर। चलिए अच्छी बात है, केजरीवाल के नाम पे जो सरकारी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे वो भी पढ़े। आइए चलो, ये खुश हो बेटा आप तो? हाँ खुश है। चलिए बच्चों को खुश रहना चाहिए, क्योंकि जो आने वाली जो नस्लें हैं वो इस कार्य से प्रभावित होंगी, और आने वाले वक्त में चौड़ीकरण हो जाएगा। तो जिस तरह से अभी हमसे एक सर बात कर रहे थे कि उनकी बेटी का उंगली कट गई थी, और उस वक्त उंगली क्या, इस तरह के 50 चीज़ें हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जब इमरजेंसी में संगम विहार के अंदर घुसना हो या संगम विहार से बाहर निकलना हो। हॉस्पिटल बिल्कुल हमदर्द के सामने ही, रतिया मार्ग से आप बाहर निकलेंगे, रोड क्रॉस करेंगे, बत्रा हॉस्पिटल है और मजीदिया हॉस्पिटल है, लेकिन फिर भी डॉक्टर ये कहता था कि आप आने में लेट हो गए वरना इस व्यक्ति की जान बच जाती। कारण बस इतना होता था कि ये कंजेस्टेड इतना एरिया है कि यहाँ से निकलना इतना मुश्किल हो जाता है कि कोई एम्बुलेंस, कोई इमरजेंसी में व्यक्ति नहीं निकल सकता। आज़ादी के बाद इस तरह काम मैं समझ पा रहा हूँ कि पहली बार हो रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। पहले लाइट बंद करके तब ये शुरुआत करते, पर नहीं, इन्होंने पहली शुरुआत कर दी और लाइट बंद नहीं की। और पहली बात तो इनको एग्जिट बताना चाहिए था कि इतना जाएगा, इतना जाएगा। सर ये बात नहीं, ये तो गलत है, ये तो गलत है। इन्होंने देखिए मेरी बात, हमें किसी का पक्ष विपक्ष नहीं ले रहे हम, लेकिन सरकार ने आपके दरवाजे पे आके कई बार नोटिस भी लगाया, निशान भी लगाया, आप लोगों ने पहले कार्य क्यों नहीं किया? हम वहाँ पर गए थे, हम SDM ऑफिस भी गए हैं, पर उनसे पूछा है कि भैया एग्जिट बता दो हमें, ठीक है, नहीं बता रहे, कह रहे नहीं बताया। जो उनके अधिकारी थे वो निशान तो लगाकर गए थे दुकानों में? गए थे, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि जो लास्ट लगेगा आकर लग जाएगा, रेड
लाइन लग जाएगी, आए नहीं कोई, कुछ भी नहीं लगा। जो जो हमारे ध्यान में है वो ये है कि निशान दो बार लगे हैं, एक निशान बहुत पुराने टाइम में लगा, एक निशान अभी लगा, और लाल निशान भी लगा, पहले पहले येलो लगा था, उसके बाद रेड लगा था, रेड भी लगा सर, रेड हमने खुद देखा है, हमने येलो ही लगा हुआ है। चलिए, आपने पहले एक्शन क्यों नहीं लिया? पहले एक्शन तभी लेते ना जब उन्होंने कहा कि रेड लग जाएगा, फिर आप कार्रवाई शुरू कर देंगे फिर हम। जी देखिए, संतुष्टि असंतुष्टि अभी भी लोगों के अंदर है, कोई कह रहा है येलो के बाद कोई नहीं आया, कोई कह रहा है आया था, दुकानदार खुश भी हैं, नाराज भी हैं, चीजें जो ठीक है, पर ठीक है, रोड चौड़ा होना चाहिए, लेकिन बताना चाहिए, हमें बताना चाहिए था, और करवाते हम फिर हम वो भी। चलिए ठीक है, ये बहुत लंबा अरसा लगा, इसको लगभग 8-9 महीने हो गए इस चौड़ीकरण का, जब सबसे पहला पोस्ट विधायक जी के फेसबुक आईडी से और निगम पार्षद और उनके जो पद अधिकारी हैं सोशल मीडिया पे ये बात सबसे पहले फैलाई गई थी, और लगभग इस बात को लगभग 9 से 10 महीने हो गए हैं, और अब तक जाके लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं करी, वो कहते थे कि कर लो कर लो कर लो कर लो, लेकिन ये अब तक नहीं हुआ। बहरहाल अब सरकार खुद आके चौड़ीकरण कर रही है, अब इसमें नुकसान भी होगा, किसी का ज़्यादा टूट जाएगा, किसी का कम टूटेगा, क्योंकि अगर मजदूर से तोड़ते तो उतना ही टूटता जितना ज़रूरत थी, लेकिन अब जब मशीनें तोड़ेंगी तो वो लापरवाही से तोड़ेंगी, और पूरी की पुलटी, अभी आपने देखा कि किस तरह से पूरी की पूरी बिल्डिंग ढह गई, क्योंकि बड़ी मशीन है, जब हाथ लगता है तो कुछ भी जाता है। बहरहाल आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको पल पल की खबर देते रहेंगे, बने रहिए मेरे साथ, मैं हूँ मोहम्मद मुशर्रत। तो चौड़ीकरण का मामला है और हम सड़क पर मौजूद हैं, लगातार आपको कवरेज दिखा रहे हैं, लोगों से बातचीत करा रहे हैं, कभी आम जनता, कभी स्कूल के बच्चे, कभी दुकानदार, और अब हमारे साथ मौजूद हैं एक दुकानदार जिनकी इसी सड़क पर दुकान है। सर क्या महसूस कर रहे हैं? महसूस तो अब देखो, जनता देखो कैसे महसूस हो रही है, ना दिन में सो सकती है ना रात को सो सकती है, अब बताइए क्या क्या होगा हम लोग, हमारे दुकानों का नहीं, चौड़ीकरण से नींद का क्या तात्पर्य, समझा नहीं, टेंशन हो जाती है, नहीं सो सकता आदमी तो क्या करेगा आदमी। सर एक्रोचमेंट भी तो ना, अगर आप सरकार पर भरोसा करते हैं तो सरकार ने कहा है कि ये एक्रोचमेंट है, ये कब्जा है गैर कानूनी, और उसे हम हटा रहे हैं। कब्जा कैसे हो सकता है, हमने 50 साल से, तब भी शटल हमारा वहीं पर ही लगा हुआ था और आज भी वहीं पर ही लगा हुआ है, निशान भी कह रहे हैं कि 2-2 बार लगे हैं, एक ही बार लगा हुआ है। सर ये पुरानी चीज़ें हैं, ज़मीन तो आज यहाँ संगम विहार के पूरी दिल्ली के अंदर जो है रजिस्टर्ड है ही नहीं, सब पावर अटर्नी पे है। पावर अटर्नी पे है, हम मानते हैं कि नहीं, ये तो सरकार जब मर्जी चाहे, ये इतनी, इसने तो अभी 10 फुट 12 फुट 4 फुट की बात आ रही है, पूरी की पूरी दुकान और पूरी संगम विहार ले सकती है वो। इसकी छोटी दुकान है वो कहाँ जाएगा, हमारी चलो थोड़ी बड़ी है तो हम तो एडजस्ट कर सकते हैं। एक परिवार के लिए 1000 लोगों को तो नहीं, हम अगर मान लीजिए एक छोटी सी दुकान है उस व्यक्ति की और एक परिवार है, उसकी दुकान पूरी जा रही है, एक परिवार बेरोजगार हो रहा है, लेकिन उसकी वजह से लाखों लोगों को फायदा मिल रहा है, तो क्या कहेंगे? वो तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन अब जिनकी, ये भी तो सोचना है ना कि जो जिनकी छोटी दुकान है वो कहाँ जाएगा दुकानदार, बताइए उसके साथ एक कोई परिवार के साथ सजेशन दीजिए, जिसकी पूरी दुकान जा रही है वो क्या करे, उनको कोई सरकार के लिए, हाँ तो ये है कि उनको मुआवजा दिया जाए, ये हो सकता है, वो कहाँ जाएगा फिर जब जिसकी छोटी दुकान है, और मुआवजा दिया जाए, वो कहीं जाए अपनी दूसरी जगह दुकान खोले अपना। और दूसरी ये बात है कि जो काम करने हैं वो तो कर नहीं रहे, अब पानी का निकास है वो तो उन्होंने सीवर अब जाके डाल रहे हैं, वो कोशिश अब कर रहे हैं, नहीं तो इतना घुटनों तक पानी होता था। चलिए, कब्जा ही सही, लेकिन बहुत लंबे समय से एक परिवार उस पर टिका हुआ था, और अब यह आता है कि दुकान टूट रही है। सर का जिस तरह से सुझाव है कि कम से कम उन्हें मुआवजा मिले ताकि वो अपनी ज़िंदगी को फिर से शुरुआत कर सके, आइए इस तरह के सर कई सुझाव होंगे जो हमें मिलते रहेंगे, सरकार के लिए मिलते रहेंगे, आइए लगातार बने रहिए हमारे साथ, आप देख रहे हैं समाई संवाद।